हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव। सो आज हम करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है या फिर कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। जी हाँ, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। सो हमारे पास कोई नंबर आ जाता है ऐसा जिसका हमें क्यूब रूट नहीं पता होता है और हमारा सम वहीं पे अड़ जाता है। सो हमने उसी को निकालना सीखना है। सो यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले पे कुछ नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि आज हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्ट ऑफ ऑल क्यूब्स फ्रॉम 1 टू 12 का टेबल आपके सामने है, ये आपको याद होना चाहिए। सो ये तो सबको याद होता है। सो इसी के बेसिस पे हम आगे ट्रिक सीखेंगे। सो नीचे दिए गए नंबर्स हैं 1, 4, 5, 6, 9, 0, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये वाले नंबर्स। सो ये वाले नंबर्स मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनका जो यूनिट प्लेस होता है ना वो हमेशा सेम होता है। जैसे ये 1 है तो 1 का 11 हो या फिर 21 हो, तो सबका जो यूनिट प्लेस होगा ना जिसपे 1 होगा उसका क्यूब रूट का भी आगे सेम होगा यूनिट प्लेस। सो 1 का 1 है, अगला है 4, 4 का 4 है यूनिट प्लेस, देन 6, 6 का भी 6 है, उसके बाद 5 रह गया, 5 का 5, एंड देन 9, 9, 9 एंड 0, 0, ठीक है। सो इनके अलावा जो नंबर्स बच गए, जैसे 2, 2 का हमेशा 8 होगा या फिर 8, 8 का हमेशा 2 होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 का क्यूब जो होता है उसका यूनिट प्लेस 8 है और 8 का जो क्यूब है उसका यूनिट प्लेस 2 है। सो इसका ऑपोजिट होते हैं 2 का 8 और 3 का 7। सो ये तीन चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। चलिए क्वेश्चंस के हेल्प से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 10648। सबसे पहले हमने देखनी है यूनिट प्लेस। तो यहां पे 8 है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 की यूनिट प्लेस होती है 2, तो यहां पे आ गया 2 यूनिट प्लेस पे। एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको, पिछले तीन नंबर जो है उनको कट कर देना, कट कर दिए। एंड देन यहां पे बचा 10। सो 10 जो है वो कौन से क्यूब्स के बीच में आ रहा है, तो वो है 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो छोटा नंबर कौन सा है, वो है 2। छोटा नंबर हमेशा लेना है, तो यहां पे आ जाएगा 2। सो इसका आ गया आंसर 22, है ना, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4096। सबसे पहले देखेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस 6 का मतलब है यूनिट प्लेस 6 होगा सेम, जैसे कि ये दिया गया है। उसके बाद तीन प्लेसेस हमने कट कर दी, एंड देन देखा 4, 4 किसके क्यूब्स के बीच में आता है, तो वो आता है 2 के, 1 के और 2 के। सो 1 और 2 के बीच में क्यूब ये 4 आ रहा है। सो 1 जो है वो छोटा है इसलिए 1 लिख देंगे ऐसे, और 16 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19683। सो यहां पे यूनिट प्लेस देखा 3, यूनिट प्लेस 3 का ऑपोजिट 7 होता है, तो 7 यूनिट प्लेस पे आ गया। तीन नंबर्स को काट दिया, तीन डिजिट्स को काट दिया, 19 बचा। 19 किसके क्यूब्स के बीच में आ रहा है, तो वो आ रहा है 2 के बीच में और 3 के बीच में। सो 2 जो है वो छोटा है, सो 2 आ जाएगा यहाँ पे 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 32768। 8 का यूनिट प्लेस 2, तीन डिजिट्स काटे, 32 जो है वो 3 के क्यूब के बीच में और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है, और छोटा है 3, तो यहां पे आ जाएगा 3, 32 का ये क्यूब होगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई नो आप विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंथी है, कर देती हूँ। सो 8 का यूनिट प्लेस 2 एंड देन 3 डिजिट्स काटे, 140 बचा। 140 किस किस के बीच में आ रहा है, वो आ रहा है 5 के बीच में और 6 के बीच में। 5 छोटा है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 52 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 636056। 6 का यूनिट प्लेस सेम 6 एंड देन 3 काट दिए और हमारे पास बचा 636, जो कि आ रहा है 8 और 9 के बीच में। दैट मीन्स 8 जो है वो आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे और 6 तो है ही है हमारे पास यूनिट प्लेस पे, तो 86 जो है वो आंसर हो गया। नेक्स्ट 12167। तो यहां पे 7 का यूनिट प्लेस है 3 एंड
तीन डिजिट्स जब हम काटेंगे तो 12 बच गया, 12 आता है 2 और 3 के बीच में, 2 जो है वो छोटा है, तो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, 23 इसका आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये जो ट्रिक थी आपको पसंद आई होगी और आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगी आपको एग्जाम्स में, बहुत जल्दी से आप इसमें क्यूब जो है वो निकाल लोगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट मत करना भूलिएगा क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोस बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।